CCSU फाइनल एग्ज़ाम्स के पेपर के पैटर्न में बदलाव डेट शीट जारी। हेलो भाई, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने अपने एग्ज़ाम्स पैटर्न को बदल दिया है, उसकी डेट शीट भी जारी की। क्या पूरी खबर? BA MA जैसे कोर्सों की परीक्षाएं 1 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होंगी, जबकि सभी प्रोफेशनल कोर्सेज के फाइनल एग्ज़ाम्स 4 से 12 सितंबर तक चलेंगे। चौधरी चरण सिंह यानी CCSU यूनिवर्सिटी मेरठ और उसके कॉलेजों के UG और PG के फाइनल एग्ज़ाम्स और प्रोफेशनल कोर्सों के फाइनल सेमेस्टर छात्रों की परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी गई है। परंपरागत कोर्सेज की परीक्षाएं 1 सितंबर से और प्रोफेशनल कोर्सेज की परीक्षाएं 4 सितंबर से कराई जाएंगी। परीक्षाएं पेपर पैटर्न में बदलाव किया गया है। यूनिवर्सिटी की परीक्षा नियंत्रक की ओर से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पारंपरिक कोर्सों के ये परीक्षाएं रेगुलर प्राइवेट एक्स इंप्रूवमेंट और बैक पेपर वाले छात्रों के लिए कराई जा रही हैं। विश्वविद्यालय की ओर से पूर्व में घोषित परीक्षा कार्यक्रम के तहत 17 मार्च 2020 से आगे होने वाली परीक्षाओं के लिए डेटशीट जारी की गई हैं। परीक्षाओं के आयोजन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकार की ओर से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करना होगा। यूनिवर्सिटी के मुताबिक BA MA जैसे कोर्सेज में अब पारंपरिक यानी विस्तृत उत्तरी पेपर 2 घंटे का बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ पेपर यानी 1.5 घंटे का होगा, जबकि यूनिवर्सिटी की ये परीक्षा 1 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेंगी। पहली शिफ्ट सुबह 8 से 10 बजे तक, जबकि दूसरी शिफ्ट 11:30 यानी 11:30 बजे से 1:30 बजे तक और तीसरी शिफ्ट 2:30 बजे से 4:30 बजे तक 4:30 बजे के बीच निर्धारित की गई है। डेट शीट में सभी पेपर्स व दूसरी तीसरी शिफ्ट में रखे गए हैं। दूसरी ओर प्रोफेशनल कोर्सेज के पेपर अब सिर्फ 2 घंटे का होगा। सभी कोर्सेज के फाइनल एग्जाम्स की परीक्षाएं सिर्फ 2:30 बजे से 4:30 बजे तक की शिफ्ट में कराई जाएंगी। प्रोफेशनल कोर्सेज में BCA BBA BA LLB BSc कंप्यूटर साइंस MTech MSc MIB BLib BEd BA BEd BSc माइक्रोबायोलॉजी समेत सभी कोर्सेज के फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं 12 सितंबर तक समाप्त कर ली जाएंगी। BSc बायोटेक्नोलॉजी BSc बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स और BSc माइक्रोबायोलॉजी के तीसरे साल के छात्रों की परीक्षाएं 4 सितंबर से 16 सितंबर के बीच 2:30 बजे से 4:30 बजे तक के शिफ्ट में कराई जाएंगी। इनकी डेटशीट भी जारी कर दी गई है, जबकि BEd 2018-2017 के दूसरे साल के छात्रों की परीक्षाएं 10 सितंबर से कराई जाएंगी। इसमें BEd मेन 2016-18 सत्र के एक्स स्टूडेंट्स और बैक पेपर वाले छात्रों की परीक्षाएँ भी साथ कराई जाएंगी। ये परीक्षाएँ 25 सितंबर तक चलेंगी। दरअसल उत्तर प्रदेश ने UGC गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए फाइनल छात्रों की परीक्षाएं कराने और बाकी छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया था। उसके अनुपालन में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने 1 अगस्त में परीक्षाएं कराने का फैसला लिया था, लेकिन अनलॉक 3 की गाइडलाइन में 31 अगस्त तक यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद रखने के निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने सितंबर में परीक्षाएँ कराने का फैसला लिया। यानी ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। उसकी जो परीक्षाएं होंगी उसका टाइम ड्यूरेशन घटा दिया गया है और पेपर पैटर्न चेंज हो गया। पहले थ्योरी जो होता था बहुविकल्प यानी MCQ बेस का होगा, मल्टीपल चॉइस बेस क्वेश्चन होगा, और उसका जो टाइमिंग डेट वगैरह जो कुछ थी सब उसमें डेट से जारी कर दी गई है। यानी जैसे BA और MA जैसे कोर्सेज की परीक्षाएं अब सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच होंगी, जबकि प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं उनके एग्जाम 4 से 12 सितंबर तक चलेंगे। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।